हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नर्सरी से पांचवी स्कूल खोलना होगा, पांचवी के सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। 5 वर्षों से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इस वर्ष भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, करना होगा, करना होगा। प्राइवेट स्कूल को मान्यता देना होगा, देना होगा, देना होगा। नमस्कार, मैं अवंतिका रॉय, आप देख रहे हैं मीडिया इंडिया। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची स्थित बाबू वाटिका के सामने, जहाँ आप देख सकते हैं नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा नर्सरी से लेकर के पांचवी तक की कक्षाओं को खोलने के लिए यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। एक दिन से धरना है इनका, तो और इनकी इनके साथ और भी इनकी मांगे हैं, तो आइए जानते हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं। और ये जैसा हम जान रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है कोरोना का नया वेरियंट भी आ चुका है, तो उसे लेकर के ये बच्चों के स्कूल खोलने की मांग क्यों कर रहे हैं? मैडम, इट्स अ वेरी सिंपल। जो पिछले 22 महीने से जो छोटे बच्चों का स्कूल बंद पड़ा हुआ, नॉट अ सिंगल डे के लिए भी अभी तक खोला गया। कम से कम सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नर्सरी से 5 क्लास तक को खोलने का प्रबंध करना चाहिए। वो गाइडलाइंस अगर कुछ बनाते कि रोस्टर वाइज में बच्चों को बुलाया जाए, हफ्ते में 3 दिन भी फिजिकली अपीयरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ने में खेल नहीं रहे या वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे, मगर अगर वो स्कूल के कैंपस के अंदर आएंगे तो इतना श्योर है कि स्कूल वाला ये सारी फैसिलिटीज को देगा और सारे लोगों को उस संबंधित जो भी उन लोगों के लिए गाइडलाइंस होगा वो पूरा कम से कम 4 घंटे तो करवाएगा स्कूल के अंदर। और हो सकता है स्कूल से जो हम लोग बच्चों को सिखा के भेजेंगे, हो सकता है वो घर में भी जा करके कराएंगे अपने माता पिता को, क्योंकि देखिए सोशल डिस्टेंस का भी कहीं से फॉलो नहीं होता। 40,000 स्टेडियम में 40,000 लोगों को बैठा के साथ एक साथ मैच खिलवाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। बिहार छोड़ी में बिहार हम कहे जाए, तो बच्चा तो वहाँ भी है ना, हम बिहार क्यों जाए? बच्चा का 4 महीने से चल रहा है, पढ़ाई पढ़ाई हो रही है, कि कहीं तो संक्रमण नहीं हुआ है, फिर झारखंड में संक्रमण हो जाएगा, ये कहाँ से बात है? सर, सवाल ये है कि वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। ये बात बिहार में भी है ना मैडम, बिहार के बच्चों को वैक्सीनेशन हो गया है क्या? उड़ीसा के बच्चों को हो गया क्या? वहाँ तो स्कूल खोल के सरकार देख लिया ना, 4 महीना से पढ़ा के देख लिया ना। अच्छा, तो क्या प्रस्ताव है आपका? हम लोग का प्रस्ताव है कि नर्सरी से 5 तक का जो बंद किए हुए सरकार 22 मार्च 2020 से अभी तक एक दिन के लिए भी नहीं खोला गया, उसको खोला जाए। और जब उस तरह का होगा, सरकार आकलन करेगी, संकट है तो बंद करना होगा तो बंद करेगी। हम लोग जबरदस्त मान लिए 10 दिन के लिए खोल दिया, 10 दिन में अगर 10 बच्चा संक्रमित हो गया, जिम्मेदारी लीजिएगा क्या आप लोग खुलवाने के लिए बोल रहे हैं? हम लोग लीजिएगा जिम्मेदारी। नहीं, इतना जगह जो हुआ है तो कहाँ हुआ है, कहीं हुआ है? अमेरिकन तो अभी झारखंड में नहीं आया है, सिर्फ पूरे देश में 2 ही अब केस आया है कर्नाटक में, और तो कहीं आया नहीं है। मान लीजिए कोई बात है, बोलिए गाड़ी चला रहे एक्सीडेंट कर देंगे, मान लीजिए कोई बात है। क्या बात है, ठीक है। आपका आपका कहना है कि स्कूल को खोला जाए, क्या क्या नियम के हिसाब से खोलना चाहिए, कुछ सोचे होंगे? वो सरकार सोचेगी कैसे नियम खोलेगी, मतलब आप आ गए ऐसे भी खोल दीजिए। सरकार बताएगी, हम सरकार बताएगी, हम लोग निर्देश देगी ना, हम लोग का खोल। आप लोगों ने क्या सोच करके ये मांग की है स्कूल जो खोला है? हम लोग आज तक 6-8 खोली है ना, उसी नॉर्म से हम लोग को खोले, जरूरी क्यों है? बच्चे मोहल्ले में नहीं जा रहे हैं, नर्सरी से 5 हजार के बच्चे अभी नहीं आया है, जब आएगा तो बंद कर देगी सरकार। उसके आप डिस्टेंस मेंटेन करवाइए, अल्टरनेट डे पे करिए, लेकिन जब पेरेंट्स तैयार है जाके सर्वे तो करिए। डिस्टेंस वाली बात हो रही है, तो बच्चे को हम मनवाने वाले हैं ना, हमारे पास टीचर है, हम लोग है ना, जब हमारे मुंह नहीं मार रहे हम बच्चों को, आप खुद यहां पे ना मास्क है या किसी को ना मास्क आपने लगाया है, मास्क लगाए तो आप लोगों ने खुलवाया ताकि आप लोग पहचान सके, आप लोग दिखा सके। बच्चे स्कूल में फॉलो करते हैं उतना वो घर में नहीं करते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। आजकल बच्चे जो घर में बैठ करके ना, जो भी 2 साल में वो लोग पूरी तरह से उन लोग का पढ़ाई सब कुछ खत्म हो गया, डिसिप्लिन खत्म हो गया, उनका जो सोच था पढ़ने के प्रति वो सारा खत्म हो गया है, तो वो 2 साल जो है बर्बाद हो जाएगा। क्या इसको 0 आवर घोषित किया जाएगा? अगर 0 आवर घोषित किया जाएगा तो हम लोग बंद रखने के लिए तैयार है, बच्चों का भविष्य बन जाएगा, सोचना जरूरी है ना। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि घर पर रहकर बच्चे अपने आप को ज्यादा विकसित नहीं कर पा रहे हैं, और इनका ये भी कहना है कि जब पड़ोसी राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं तो झारखंड में क्यों नहीं खुल सकते हैं। रांची से मिरर मीडिया अवंतिका।